एंड सब्सक्राइब। राम राम दोस्तों, हाल ही में कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रिक लोकोशेड बड़ौदा को इंडिया की क्वालिटी काउंसिल में 13th DLSHA सिल्वर क्वालिटी अवार्ड दिया गया। और दोस्तों, इस लोकोशेड को ये अवार्ड हमारे जो मॉडिफाइड वेब 7 लोकोमोटिव्स हैं, जिसे इस लोकोशेड ने स्पेशली पुश पुल मोड में यूज करने के लिए मॉडिफाई किया है, इसी के लिए दिया गया था। और दोस्तों, ये हमारे देश का ऐसा पहला लोकोशेड है जिसने वेब 7 या फिर एक 3-phase इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में वो सभी मॉडिफिकेशंस करके दिए थे जो एक लोकोमोटिव को पुश पुल मोड में ऑपरेट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर इन दोनों ही 3-phase वेब 7 लोकोमोटिव में क्या मॉडिफिकेशंस किए गए थे इन्हें एक साथ पुश पुल मोड में चलाने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों, जो सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन या फिर चैलेंज था इस लोकोशेड के सामने, वो था इन दोनों ही लोकोमोटिव्स को एक साथ काम करवाना। अब दोस्तों, यूजुअली हमारी भारतीय रेल के नेटवर्क में जब भी कोई ट्रेन पुश पुल मोड में ऑपरेट करती थी या फिर हमारी एनाकोंडा गुड्स ट्रेन चलाई जाती थी, तो उनमें लोकोमोटिव के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता था। लोको पायलट्स ही अपने वॉकी टॉकी द्वारा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करके लोकोमोटिव को कंट्रोल करते थे, जिसमें दोस्तों थोड़ा एरर आ जाता था क्योंकि एक साथ लोको पायलट्स लोकोमोटिव को कमांड नहीं दे रहे थे। सब अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली कमांड देते थे, जिसकी वजह से दोस्तों लोकोमोटिव्स को कमांड मिलने में कुछ सेकंड्स का डिफरेंस आ जाता था और पूरी की पूरी ट्रेन में कभी कभी कपलर फोर्सेस या फिर जर्क महसूस होते थे। अब दोस्तों, ये राजधानी कोई गुड्स ट्रेन तो थी नहीं कि थोड़े बहुत जर्क चल जाते, ये तो एक पैसेंजर ट्रेन थी और हमें पैसेंजर सेफ्टी और कंफर्ट का भी ध्यान रखना था। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इन दोनों ही लोकोमोटिव्स में कमांड का डिले ना हो और इन्हें पुश पुल मोड में एक साथ कमांड मिले या फिर यूज किया जा सके, इसलिए इन दोनों ही लोकोमोटिव्स को UIC बेस्ड स्टैंडर्ड केबल से कनेक्ट कर दिया गया। आसान शब्दों में कहूँ तो दोस्तों, तो अगर हम किसी भी ट्रेन में सेम ट्रैक्शन के दो या फिर उससे ज्यादा लोकोमोटिव सीरीज में यूज करते हैं, तो उन्हें हम MU केबल्स द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि मेन लोकोमोटिव से ही जो लोको पायलट कमांड देता है वो रियल टाइम में पीछे के लोकोमोटिव में पहुंच जाती है और उनमें अलग से किसी लोको पायलट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि सीरीज ऑपरेशन में तो लोकोमोटिव आगे पीछे ही होते हैं, इसलिए MU केबल्स की लेंथ छोटी हो तो चलता है, लेकिन पुश पुल मोड के केस में दोस्तों दोनों ही लोकोमोटिव्स एक ट्रेन के दोनों एंड्स पे थे। तो इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए एक नई लंबी और UIC स्टैंडर्ड्स की ट्रांसमिशन केबल डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई, जिसे दोस्तों कंटिन्यू नहीं रखा गया। जो कोच इस पुश पुल मोड में यूज होने वाले थे, सिर्फ उन्हीं में मॉडिफिकेशन करके उनके नीचे कैरेजेस में इन केबल्स को फिट किया गया, जिसमें एक साइड प्लग्स और एक साइड कनेक्टर लगे थे। तो दोस्तों, ऐसे कोच की एक लंबी राजधानी ट्रेन बनाई गई जिनके सारे प्लग्स और कनेक्टर कनेक्ट कर दिए गए, और जब भी ये दोनों लोकोमोटिव्स इस ट्रेन में यूज होते तो इन लोकोमोटिव्स के जो कनेक्टर्स थे वो इस ट्रेन के दोनों ही एंड्स में लगे कोचिस के प्लग्स में कनेक्ट होके दोनों लोकोमोटिव्स के बीच में एक वायर्ड कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस केबल में से सिग्नल का आदान प्रदान एफिशिएंटली हो सके और लोकोमोटिव के कमांड्स में डिले ना हो, उसके लिए थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट्स और एनहेंसमेंट्स किए गए और इसी तरह तैयार हुई हमारी पुश पुल मोड में चलने वाली राजधानी और उसके लोकोमोटिव, जिसके RDSO द्वारा सक्सेसफुल ऑसिलेशन ट्रायल्स हुए और मुंबई दिल्ली रूट पे इसके सफल परीक्षणों के बाद पुश पुल राजधानी को कमर्शियल सर्विस में उतार दिया गया। अब दोस्तों, ये काफी अच्छा कदम था, इसकी वजह से ट्रेन का एक्सीलरेशन बेहतर हो जाता था, ब्रेकिंग बेहतर हो जाती थी, लोकोमोटिव की शंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट रेलवे कर सकती थी, जो इन्होंने वायर्ड कनेक्शन एस्टैब्लिश किया दोनों लोकोमोटिव के बीच, उसकी जगह लोकोट्रोल या फिर DPWCS जैसे वायरलेस कनेक्शंस दोनों ही लोकोमोटिव्स में इंडियन रेलवेज इंस्टॉल कर सकती थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में किसी और नए भारतीय रेल के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।